नमस्कार, मैं अक्षित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चौरी में 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मुझे पढ़ने के साथ साथ योग करना बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि सभी योग के साथ जुड़े व स्वस्थ रहें। नमस्कार। परम सम्मानीय प्रधानाचार्य महोदय जी, अध्यापक वर्ग, प्राध्यापक वर्ग, विद्या मंदिर में एकत्रित मेरे प्रिय सहपाठियों, भाइयों तथा बहनों, महिला सशक्तिकरण, त्याग एवं वीरता के प्रति लक्ष्मीबाई सदन की ओर से आयोजित इस
इस प्रातःकालीन सभा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम आप सुनिए आज का शुभ विचार। अब आप सुनिए आज का शब्द। भुलाकर हर भेदभाव को एक दूसरे से भाईचारा बढ़ाएं। भुलाकर हर भेदभाव को एक दूसरे से भाईचारा बढ़ाएं। विश्व शांति हो मानवता का सपना, माने जहां हर कोई हर किसी को अपना। नमस्कार, परम सम्मानीय पठानाचार्य महोदया, अध्यापक वर्ग, प्राध्यापक वर्ग, वरिष्ठ विद्या मंदिर में उपस्थित मेरे प्रिय सहपाठियों, भाइयों तथा बहनों, मैं रिया शर्मा आज आप सभी के समक्ष जिस विषय को लेकर उपस्थित हुई हूँ उसका उचित शीर्षक है विश्व शांति दिवस। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि हर वर्ष 21 सितंबर के दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब विश्व में शांति होगी तो नए युग की क्रांति होगी। जब हम प्रातः काल में उठते हैं और समाचार पत्र पढ़ते हैं तो हमारा सामना हिंसा, अपराध और युद्ध के समाचारों से होता है। लेकिन इन समाचारों को पढ़कर मन में केवल एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि वो भाग्यशाली समय कब आएगा जब विश्व में 7 6 5 4 3 2 1 2 5 6 5 3 4 5 6 8 हेलो एवरीवन, मैं सरिता दुबे, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौरी। सबसे पहले तो किसमें कितना है दम की टीम का अपने स्कूल में बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करना चाहती हूँ। और आज हमारे स्कूल के लिए एक बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे स्कूल का लड़का अक्षित, जो कि 8वीं कक्षा का छात्र है, के HD में उसने 4 राउंड पार करके फाइनल ग्रैंड फिनाले में पहुंचा है, तो बहुत एक खुशी की बात है हमारे स्कूल के लिए। साथ में ये बच्चा बहुत ही मेहनती है, पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ में भी बहुत अच्छी तरह से ये बच्चा पार्टिसिपेट करता है और करता आ रहा है। योगा ओलंपियाड अभी हमारा मई महीने में हुआ था, तो इस बच्चे ने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में पार्टिसिपेट किया। अभी स्कूल टूर्नामेंट हुए, इसमें भी ये बच्चा विनर रहा, डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट में ये पार्टिसिपेट करेगा। तो आगे ये बच्चा ग्रैंड फिनाले जीते और जो भी इसको कैश प्राइज है वो मिले, ये हम सब की तरफ से एक आशीर्वाद है इस बच्चे के लिए। और साथ में के HD टीम का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि ये जो टीम है वो इतने टैलेंटेड बच्चों को एक मंच देती है और उन्हें अपनी प्रतिभा का करने का मौका देती है। और इस बच्चे के पार्टिसिपेट करने से और जीतने से हमारे स्कूल के बाकी विद्यार्थियों के लिए भी एक इंस्पिरेशन का काम करेगी। इस साल एक बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर हमारे 5-6 बच्चे और पार्टिसिपेट करें और हमारे स्कूल का, हमारे इलाके का, अपने पेरेंट्स का, टीचरों का नाम रोशन करें। बेटे, जैसे आपको पता है आपके SAT 2 एग्जाम चले हैं, ठीक है ना? जो भी आपको क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, सबसे पहले तो आपने उसको अच्छे से रीड करना है, ठीक है? आफ्टर दैट आपने बढ़िया से पेपर करना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट, करो स्टार्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशा गौतम, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पिछले 3 सालों से एज ए TGT कार्यरत हूँ।
अक्षित की मैं क्लास टीचर हूँ, साथ में मैं उसको इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ। अक्षित स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा बच्चा रहा है, बहुत ही प्रतिभाशाली होनहार बच्चा है वो, और वो पेंटिंग भी करता है, पेंटिंग में भी वो काफ़ी अच्छा है। योगा में वो पहले भी जिला स्तरीय तक और स्टेट तक जा चुका है वो बच्चा, और हमें बहुत खुशी की बात है कि वो KKHD में 4 राउंड को पार करके अब ग्रैंड फिनाले में एंट्री हो चुकी है उसकी। तो हम सबकी यही दुआ है कि वो ग्रैंड फिनाले का राउंड भी क्लियर करे और अपने पेरेंट्स के साथ, अपने अध्यापकों का, अपने स्कूल का और अपने गांव का नाम जो है वो रोशन करे। अक्षित जो है वो अदर एक्टिविटीज के अलावा स्टडी में भी बहुत अच्छा है, जो भी उसको क्लास में पढ़ाया जाता है वो बहुत अच्छे से कवर करता है। कभी भी ऐसा नहीं हो कि उसका काम जो है वो पेंडिंग रहा हो या उसने नहीं किया हो, कोई बहाना लगाया हो कि मैं उधर गया तो मैंने काम नहीं किया है। वो हमेशा अपने पूरे काम को जो वो टाइम से कवर करता है, एग्जाम में भी वो अच्छा करता है, हर एक्टिविटी में, मतलब वो ऑलराउंडर है। हेलो एवरीवन, मैं संजीव कुमार DP गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौरी। पहले तो मैं KKHD टीम का हमारे स्कूल में पहुंचने पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे कि बच्चा हमारा अक्षित 4 राउंड KKHD के 4 राउंड पास करके ग्रैंड फाइनाले में पहुंच चुका है, तो ये बहुत ही खुशी का विषय है स्कूल के लिए, इलाके के लिए। बाकी मेरी इसके लिए आगे के लिए भी शुभकामनाएं रहेंगी कि ये बच्चा ग्रैंड फिनाले पास करे और गांव का नाम रोशन करे। जैसे कि यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए देखा जाता है तो बच्चा टाइमली, जैसे सुबह 8 बजे क्लास लगती है तो बच्चा 8 बजे बराबर पहुंच जाता है, जैसे शाम को 3 से 4:30 क्लास रहती है तो बच्चा शांत स्वभाव से अपनी जो प्रैक्टिस है इसकी हमेशा चली रही। तो मैं इसके लिए और इसके माता पिता और साथ में धन्यवाद देना चाहूँगा KKHD टीम के लिए कि वो आए और इन बच्चों को ऊपर ले जाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार जी, मेरा नाम कवि कुमार है और मैं जिला हमीरपुर के गांव डूब का रहने वाला हूं। मैं हमीरपुर में ही एक प्राइवेट जॉब करता हूं और अक्षित मेरे परिवार का सबसे बड़ा बेटा है। उसका जन्म 27 सितंबर 2011 को हुआ है। अक्षित को पढ़ाई के साथ साथ मैं योग करना बहुत अच्छा लगता है और मैं प्रतिदिन सुबह उठकर सबसे पहले वो अपने योग आसनों का अभ्यास करेगा और उसके बाद वह स्कूल जाता है। किस में कितना है दम, मल्टी टैलेंट शो, मैं जैसे ही मुझे पता चला मैंने तुरंत बेटे के साथ बात करी और मैंने सोचा कि इस मल्टी टैलेंट शो में बेटे को पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि बेटे का आत्मविश्वास और बढ़ेगा और वह आगे चलकर और अच्छा करेगा। बेटे ने KKHD किस में कितना है दम के 4 राउंड पास कर लिए हैं और अब उसका ग्रैंड फिनाले हैं। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि बेटा ग्रैंड फिनाले भी जीत कर आए और अपने स्कूल, टीचर्स, माता पिता व गांव, देश प्रदेश का नाम रोशन करे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अनु देवी है। मैं जिला हमीरपुर की रहने वाली, गांव डूक की रहने वाली हूं। मैं एक हाउस वाइफ हूं। मेरे बेटे का नाम अक्षित है और मेरे 3 बच्चे हैं। मुझे अपने बेटे पर गर्व है कि वो योगा में बहुत अच्छा है। वो सुबह शाम योगा का अभ्यास करता है और पढ़ने में भी अच्छा है और उसको ड्राइंग करना अच्छा लगता है। और वो मेरा बच्चा बहुत हंसमुख है और वो मेरे साथ घर के कामों में भी हाथ बटाता है।
साथ में स्कूल में भी अच्छा है, पढ़ाई में भी अच्छा है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते यहाँ चले, आए बनकर उल्लास सभी आंसू बनकर वह चले, अभी सब कहते हैं ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले, किस ओर चले, यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर खुश सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छता लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उस पर ले असफलता का भार चले, अब अपना और प्राय क्या आवाज रहे रुकने वाले, हम स्वयं बांधे थे और स्वयं हम अपने बांध तो तोड़ चले, भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, हम तो समझ नहीं पाते यह मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बोलते हैं, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरती हुई पक्षियों की पंखों पर तीरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, बांधे आती है आए खिरे पल्ले की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे सिर पर बरसते यही ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलाना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और हर साल फर्स्ट आता है और सुबह शाम योगा का अभ्यास करता है, उसे ड्राइंग करना भी अच्छी लगती है। मुझे अपने बेटे पर बहुत गर्व है, उसने 4 राउंड पास कर लिए है, फाइनल में पहुंच चुका है, मैं चाहती हूं कि वे फाइनल राउंड पास कर ले। मैं भगवान से दुआ करती हूं कि मेरा बेटा फाइनल जीत के आए और हमारे गाँव परिवार और देश का नाम रोशन करे। नमस्ते जी, मेरा नाम संगीता है, मैं हमीरपुर की रहने वाली गांव डूब की हूँ, अक्षित मेरा भतीजा है। मैं अक्षित को शुरू से ही योगा का बहुत शौक रहा है, जब भी देखो तब योगा ही करता रहता है, योगा के साथ वो पढ़ने लिखने में भी अच्छा है, हर साल क्लास में अच्छे नंबर लेकर पास होता है। अक्षित का मेरे साथ प्रेम प्यार है, मेरी हर बात मानता है। अब मेरे भतीजे ने किसमें कितना है दम के 4 राउंड पार करके फाइनल में पहुंच गया है। मैं भगवान से दुआ करती हूं कि मेरा भतीजा फाइनल जीत के आए, अपने स्कूल का, हमारे गांव का, पूरी फैमिली का नाम रोशन करे। नमस्कार, मेरा नाम पिंजा राम है जी और गांव डूक का रहने वाला है और अशक मेरा पोता है जी और पढ़ने भी लायक है और योग भी और मैं भगवान के दुआ लेता है मेरा पोता जीत के आए, हमारे को खुशी है बहुत। और मेरा पोता जी पढ़ाई को भी लायक है और योग भी लायक है और स्कूल से आंदा है अपना नाश्ता करता है फिर योग शुरू कर देता है, सुबह उठता है 5 बजे दातन दूतन करता है योग लग जाता है और हमारे को बहुत गर्व है, बहुत खुशी है, हमारे परिवार विच बेटा निकल आया है, पूरे परिवार विच हमारे को बहुत खुशी है और इसने 4 मैच जीत लिया है और हमारे को बहुत गर्व है और परिवार का नाम बता रहे
और रोशन किया, स्कूल का भी रोशन किया है और सारे का रोशन ना किया सर। ऐसी कोई बात नहीं, हमारा बच्चा ठीक है, लायक है, पढ़ने को भी लायक है। नमस्कार, मेरा नाम नंदिनी है, मैं अक्षत की कज़न सिस्टर हूँ। अक्षत के साथ मेरा बहुत अच्छा व्यवहार है और अक्षत भी हमारे साथ बहुत अच्छा खेलता है और पढ़ाई में भी ठीक है। उसे शुरू से ही योगा करना बहुत अच्छा लगता है और इसलिए उसके माता पिता ने भी उसकी बहुत सहायता की है। इसमें वो स्कूल में भी अच्छी प्रस्तुति देता है योगा में, एनुअल फंक्शन में भी, और स्कूल के सभी टीचर उसके बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं और स्कूल में कभी भी वो किसी से लड़ाई नहीं करता है। वो हर वर्ष अच्छे अंकों से पास होता है और अच्छी पोजीशन लेके आता है। हम दोनों एक दूसरे की स्टडी में बहुत हेल्प करते हैं। मैं भी उसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाती हूँ और फ्री टाइम में हम दोनों लूडो खेलते हैं। हमारे भाई बहन भी हमारे साथ खेलते हैं। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि मेरा भाई फाइनल जीत के आए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम कोमल है, मैं सातवीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं अक्षित की कज़न सिस्टर हूँ। हम दोनों इकट्ठे स्कूल जाते हैं तथा इकट्ठे पढ़ाई करते हैं। मेरा भाई शरारती होने के साथ साथ ही बहुत अच्छा है। हम सबके साथ उसका व्यवहार प्यार भरा है। मुझे मेरे भाई पर गर्व है। मैं चाहती हूँ कि वे दिन दुगनी रात चौगनी उन्नती करे तथा देश और प्रदेश का नाम रोशन करे। मैं KKHT यानी किस्में है कितना दम टीम का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे भाई की प्रतिभा को जाना तथा उसे निखारा। जब अक्षित हमारे घर आता है तो वे हमारे साथ कबड्डी, बैडमिंटन, लूडो खेलता है। हम खूब मस्ती करते हैं। मैं भगवान से दुआ करती हूँ मेरा भाई फाइनल जीत कर आए। नमस्कार, मैं सबसे पहले किसमें कितना है दम टीम को धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम स्वाति है और मैं छठी कक्षा की छात्रा हूँ। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चौरी में पढ़ती हूँ। अक्षित मेरा बड़ा भाई है। उसे योगा करने का शौक बचपन से ही है। मेरा बड़ा भाई योगा में बहुत माहिर है। मुझे अपने भाई पर गर्व है। जब हम भाई बहन घर पे फ्री होते हैं तो खूब मस्ती करते हैं और मेरा भाई स्टडी में भी बहुत हेल्प करता है। मेरे भाई से बहुत प्यार करती हूँ। कभी कभी हम दोनों में झगड़ा भी हो जाता है। चाहे जितना भी झगड़ा हो जाए, हम दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। अब मेरे भाई ने किसमें कितना है दम के पहले 4 राउंड पार करके फाइनल में पहुँच चुका है। मैं गौर से प्ले करती हूँ। मेरा भाई फाइनल जीत गया है। अपने स्कूल का, हमारे गाँव का और पूरी फैमिली का नाम रोशन करे। मैंने अब जिला स्तरीय योग में मैंने पार्टिसिपेट किया जिसमें भिन्न भिन्न स्कूलों के बच्चे आए थे और मैं जिला स्तरीय योग में प्रथम आया हूँ जिसमें और मेरा चयन राज्य स्तरीय योग में हुआ है जिसमें मेरे स्कूल के सभी टीचर्स और मेरे माता पिता का पिताजी ने मेरा हौसला बढ़ाया है। जब भी हमारे स्कूल में कोई फंक्शन हो तो मैं उसमें हिस्सा लेता हूँ। जब भी मेरे स्कूल में छुट्टियाँ होती है तो मैं घूमने दिल्ली में जाता हूँ जिसमें मैं लाल किला और इंडिया गेट को घूमने जाता हूँ। मैं योगा के साथ साथ पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ। हर साल मैं अच्छे मार्क्स लेकर पास होता हूँ। मैं अपने दादा दादी अपने माता पिता का कहना मानता हूँ और उनकी सेवा करता हूँ। मैं अपने खाली समय में अपने भाई बहनों के साथ फ़ोन में लूडो चेस खेलता हूँ और मुझे ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है। मैं सुबह जल्दी उठकर ब्रश करता हूँ और नहाता हूँ और उसके बाद थोड़ी देर योग का अभ्यास करता हूँ और मैं उसके बाद तैयार होकर स्कूल जाता हूँ। स्कूल पहुँचकर सुबह असेंबली में मैं प्रेयर में खड़ा होता हूँ और उसके बाद मैं अपनी क्लासें लगाने जाता हूँ। रिसेस टाइम में हम अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं। छुट्टी होने के बाद मैं अपने घर आता हूँ और घर में थोड़ी देर आराम करके स्कूल का होमवर्क करता हूँ और मैं अपने भाई बहनों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ। फिर एक दिन KKHD की टीम मेरे स्कूल में आई थी। उन्होंने हमको बताया KKHD एक मल्टी टैलेंट शो है। इसमें कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है और अपना टैलेंट TV पर दिखा सकता है। मेरा भी बहुत बड़ा सपना था कि मैं TV पर आऊं और अपना टैलेंट दुनिया के सामने ला सकूं। फिर मैंने KKHD योगा में फॉर्म फिल किया। मेरा फर्स्ट सेकंड राउंड सुजानपुर में हुए थे, थर्ड और फोर्थ हमीरपुर में हुए थे। अब मैं फाइनल में पहुंच गया हूं।
मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि मैं फाइनल जीत कर आऊँ, अपने स्कूल का, अपने गांव का और पूरी फैमिली का नाम रोशन कर सकूँ। मैं थैंक्स करता हूँ मेरी मम्मी पापा का और अपनी पूरी फैमिली का, जो मेरी हर विश पूरी करते हैं और मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। आज उन्हीं के कारण मैं फाइनल में पहुंचा हूं। आई होप मैं फाइनल में जीत कर आऊं। मैं थैंक्स करता हूँ वरुण सर का और KKHD पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे एक अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। थैंक यू KKHD।